हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। पिक्चर अभी बाकी है और दोस्तों आज की हमारी मूवी है जेरी एंड मार्ज गो लार्ज। यह मूवी एक बहुत ही अच्छी बायोग्राफी कॉमेडी ड्रामा मूवी है और इसके साथ ही साथ दोस्तों ये मूवी एक सच्ची घटना पर आधारित भी है। इस मूवी की IMDb रेटिंग 6.9 है और रॉटेन टोमेटो पर यह मूवी 67% तक फ्रेश है। तो मूवी की रेटिंग देखकर तो दोस्तों आप लोग समझ ही गए होंगे कि यह मूवी बहुत ही जबरदस्त होने वाली है। इसलिए हमारे इस वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलिएगा, क्योंकि यदि आप लोग वीडियो को लाइक नहीं करोगे तो हमारे ये वीडियो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक कैसे पहुंच पाएंगे। तो मूवी की शुरुआत में हमें जेरी सेल्बी नाम के आदमी को दिखाया जाता है। जेरी रोजाना अपने दिन की शुरुआत सुबह 5:45 से करता है और ऐसा जेरी पिछले 42 सालों से करता आ रहा था। एक्चुअल में जेरी एक कॉर्नफ्लेक्स फैक्ट्री में काम करता है। आगे जेरी फैक्ट्री में मैनेजमेंट टीम के सामने प्रेजेंटेशन दे रहा होता है और प्रेजेंटेशन के बाद जेरी का बॉस कहता है, जेरी तुम काफी अच्छा काम करते हो, मुझे लगता है अब तुम्हें रिटायरमेंट लेना चाहिए। तुमने अपना सारा समय हमारी फैक्ट्री को दिया है और अब तुम्हारे गोल्डन ईयर्स है, इसलिए तुम्हें रिटायरमेंट को एंजॉय करना चाहिए, खुल के लाइफ जीनी चाहिए। आगे जेरी अपनी जॉब से रिटायरमेंट ले लेता है और वो अपनी फैमिली के साथ डिनर कर रहा होता है, जहाँ पर जेरी के फैमिली वाले उसके रिटायरमेंट को सेलिब्रेट कर रहे थे। आगे सभी फैमिली वाले जेरी को उसका रिटायरमेंट प्रेजेंट दिखाने ले जाते हैं। जेरी आंखें खोलता है तो उसकी आंखों के सामने एक फिशिंग बोट थी। जेरी इस प्रेजेंट को देखकर काफी खुश होता है और अपनी फैमिली को थैंक्स कहता है। अब जेरी रोजाना सुबह उठा करता था और उसे समझ नहीं आता था कि वो पूरा दिन क्या करेगा। आगे जेरी एक ऑफिस के बाहर जाकर वेट करने लगता है। तब स्टीव कहता है, तुम्हें यहाँ पर वेट करने की कोई जरूरत नहीं, तुम अंदर आ सकते हो। तब जेरी वहाँ पर बैठकर स्टीव से कहता है, मेरे अकाउंट का क्या हाल है। तब स्टीव कहता है, कुछ ज्यादा खास नहीं, बस 2% का गेन है। मुझे लगता है तुम्हें स्टॉक में इन्वेस्ट करना चाहिए, वहाँ से तुम 10% तक का प्रॉफिट ले सकते हो और इस हिसाब से तुम्हारा पैसा डबल हो सकता है लगभग। स्टीव कैलकुलेटर में काउंट करने लगता है, तभी जेरी कहता है, 7.27 ईयर में मेरा पैसा डबल हो जाता। जेरी मैथ्स में काफी अच्छा था, इसलिए वो सब कुछ फटाफट काउंट कर लिया करता था। तब जेरी कहता है, मेरे लिए इतना ही काफी है, मैं स्टॉक में इन्वेस्ट करके गैम्बलिंग नहीं करना चाहता। आगे जेरी उस बोट को अपनी कार में अटैच करके रिवर किनारे ले जाता है और वो गाड़ी से उतरकर बोट को कार से अलग कर देता है। पर तभी जेरी की गाड़ी नदी में जाने लगती है। पर तभी जेरी अपनी गाड़ी को जल्दी जल्दी में स्टार्ट करके अपनी गाड़ी को पानी से बाहर निकालने लगता है। पर जेरी ने बोट को अभी तक भी गाड़ी से पूरी तरह से अलग नहीं किया था और बोट गाड़ी के साथ साथ सड़क पर आ जाती है और उसकी मोटर टूट जाती है। ये देखकर जेरी को काफी अफसोस होता है, क्योंकि उसने नई की नई बोट को खराब कर दिया था। आगे जेरी गुस्से में वापस उस कॉफी शॉप में जाकर अपने लिए कॉफी लेने लगता है। तभी जेरी देखता है कि वहां पर एक लेडी अपने लिए लॉटरी टिकट खरीद रही थी। तभी जेरी देखता है कि उसके टेबल पर विनफॉल लॉटरी का ब्रोशर रखा हुआ था। उस ब्रोशर के पीछे काफी सारे इंस्ट्रक्शन लिखे हुए थे कि विनफॉल लॉटरी जीतने की कितनी संभावना है। तब जेरी भी अपने मैथ्स का यूज करके लॉटरी जीतने की संभावना के बारे में पता करने लगता है। तब जेरी को पता चलता है कि यदि वो लॉटरी का एक टिकट खरीदेगा तो उसके जीतने की संभावना काफी कम होगी, पर वो एक बार में अधिक से अधिक टिकट खरीदेगा तो उसके जीतने की संभावना काफी हद तक बढ़ जाएगी। और आगे जाकर जेरी ये बात अपने दोस्त स्टीव को बताता है। जेरी कहता है, ये देखो, ये गैम्बलिंग नहीं है, एक तरीका है जिससे हम हर बार लॉटरी का प्राइस जीत सकते हैं। तब स्टीव कहता है, क्या तुम लॉटरी खरीदने की बात कर रहे हो। तब जेरी कहता है, हाँ बिल्कुल, क्योंकि इसमें एक लूप होल है, ये देखो मैंने मैच के जरिए इसका तोड़ निकाला है। 54 बार में से एक बार वो मौका आता है जब आपके 6 में से 3 नंबर आ जाते हैं जो आपके लॉटरी जीतने के लिए जरूरी है, और 1500% चांस बन जाते हैं 4 नंबर एक बार आने के। इस तरह से हम लॉटरी खरीद कर फायदा उठा सकते हैं। ये सारी बातें सुनकर और पेपर पर लिखे हुए नंबर देखकर स्टीव कहता है, ये सब बकवास है, क्योंकि जो लोग ये लॉटरी चलाते हैं वो काफी दिमाग वाले हैं, उन्हें नंबर से खेलना आता है और वो इतनी आसानी से किसी को लॉटरी जीतने नहीं देते। तब जेरी कहता है, मुझे विश्वास नहीं होता कि तुम मेरे अकाउंटेंट हो, और जेरी वहां से चला जाता है। जेरी को अपने मैथ पर पूरा भरोसा था और वो जानता था वो किस तरह से लॉटरी खरीद कर मुनाफा बना सकता था। आगे जेरी बैंक में जाकर अपने अकाउंट से $2,000 विड्रॉल करता है। अब अगले दिन जेरी सुबह सुबह जल्दी उठकर रेडी हो जाता है और वो अपने पास ही वाले टाउन के एक स्टोर पर जाता है और जेरी स्टोर पर खड़ी लेडी से कहता है, मुझे 2000 विनफॉल लॉटरी टिकट चाहिए। स्टोर पर खड़ी लेडी भी जेरी का चेहरा पहले देखने लगती है और वो जेरी को टिकट निकाल कर देने लगती है। घर पर आकर जेरी विनफॉल लॉटरी के विनर नंबर देखने लगता है।
तभी उसकी वाइफ वहां आ जाती है और वो अपनी वाइफ को देखकर टीवी चैनल बदल देता है और वाइफ के जाने के बाद वापस विनर लॉटरी नंबर देखने लगता है। उन नंबर को नोट करके वापस जेरी स्टोर में जाकर अपने लॉटरी टिकट को चेक करने लगता है कि वो लॉटरी में कितना पैसा जीता है। सारी लॉटरी को मिलाकर जीते हुए पैसों को काउंट करने के बाद जेरी अब तक $1628 ही जीत पाया था। उसने 2000 के टिकट खरीदे थे तो वह अब $327 लॉस में गया था। यह देखकर जेरी का चेहरा उतर जाता है। अब रात में जेरी के फ्रेंड्स आए थे जिनके साथ वो बैठकर ताश खेल रहा था और जेरी अभी भी लॉटरी के बारे में सोच रहा था कि उसका मैथ्स गलत कैसे हो सकता है। जेरी के फ्रेंड के जाने के बाद मार्क जेरी से पूछती है, क्या तुम मुझे बताओगे तुम्हें क्या हुआ है? तब जेरी सोचता है, मैंने मेरा एक चांस खो दिया, जैसा मैंने सोचा था वैसा कुछ नहीं हुआ। तब मार्च कहती है, ऐसा अक्सर जरूरी नहीं है कि जो हम चाहे वही हो। जिस तरह से इंसान की लाइफ में गुड लक्स होते हैं, उस तरह से इंसान की लाइफ में बेड लक्स भी होते हैं। मार्च की ये बात सुनकर जेरी हंसने लगता है और वो कहता है, तुम सही बोल रही हो। जिस प्रकार से हमारी जिंदगी में अच्छी चीजें होती है, उस प्रकार से बुरी चीजें भी होती है। और जेरी अपनी वाइफ को थैंक्स कहकर घर में चला जाता है। मार्च की बात से जेरी समझ चुका था कि लॉटरी एक संभावना का गेम है। यदि उसके हारने की संभावना है तो कहीं ना कहीं उसके जीतने की संभावना भी बनती है। पर क्या हो यदि वो अपने जीतने की संभावना को बढ़ा दे। अगले दिन जेरी फिर से बैंक में जाकर काउंटर पर बैठी लड़की से कहता है, अब मुझे पूरी तरह से समझ आ गया है कि मैं कहां गलत कर रहा था। ये सब सैंपल साइज का कमाल है, ये सब संभावना का खेल है, ये बस मैथ्स है। तब वो लड़की कहती है, लेकिन मुझे मैथ्स ज्यादा समझ नहीं आता, आप क्या कहना चाहते हो? तब जेरी अपनी जेब से सिक्का निकालकर उस लड़की को सिक्का उछाल कर दिखाता है। यदि आप सिक्के को 1000 बार उछालते हो तो चांस बनता है कि 60% बार आपके सिक्के का हेड आएगा, पर यदि आप सिक्के को 5000 बार उछालोगे तो कहीं ना कहीं 50% का चांस बन जाएगा, यानी 50% बार टेल आएगा और 50% बार हेड आएगा, तो हमारे जीतने की संभावना 50% हो जाएगी। उस लड़की को कुछ समझ नहीं आता, तब जेरी कहता है, मैं पैसा विड्रॉल करना चाहता हूँ, मुझे मेरे अकाउंट से 8000 कैश चाहिए। तब वो लड़की जेरी को उसके अकाउंट से $8000 निकाल कर दे देती है और इस बार जेरी 8000 लॉटरी टिकट खरीद लेता है और वापस स्टोर में जाकर विनर नंबर को अपने लॉटरी टिकट्स में ढूंढने लगता है। और इस बार जेरी लॉटरी से पैसा जीतकर $15700 बनाता है, यानी 8000 के लॉटरी टिकट खरीद कर ₹15700 जीत लिए थे। आगे जेरी उन लॉटरी टिकट को अपने घर में जाकर पॉपकॉर्न के डब्बों में छुपा देता है। आगे वीकेंड पर जेरी की फैमिली जेरी से मिलने आती है और वो सभी मिलकर लंच पार्टी करते हैं। अब रात हो जाती है और मार्क जेरी से आकर कहती है, क्या तुम मुझे कुछ बताना चाहते हो स्टोर रूम के बारे में? जेरी को लगता है कि मार्क उससे लॉटरी के बारे में सवाल कर रही है। तब जेरी कहता है, मैंने कुछ लॉटरी टिकट खरीदे है। यह सुनकर मार्च कहती है, लेकिन मैं तो वहां पर खाली पड़े स्नैक्स के पैकेट के बारे में पूछ रही थी। तब जेरी कहता है, मैंने लॉटरी खेली थी और जिसमें मैंने $50,000 जीते हैं और मैंने लॉटरी के सारे टिकट्स स्टोरेज रूम में छुपाए हैं। तब मार्च कहती है, तो तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? जेरी कहता है, क्योंकि मैं डर रहा था, क्योंकि मेरे पास रिटायरमेंट लाइफ बिताने के लिए ज्यादा पैसा नहीं है जिससे मैं तुम्हें वो सब दे सकूं जो तुम जिंदगी में चाहती हो, और वैसे भी ये सही समय नहीं है बड़ा रिस्क लेने का। तब मार्च थोड़ा सोचती है और कहती है, यही सही समय है, हम अभी अपनी जिंदगी में वो सब कर सकते हैं जो हम जिंदगी भर करने से डर रहे थे। मैं इस समय का 40 सालों से इंतजार कर रही थी कि हम दोनों मिलकर लाइफ में कब फन करेंगे। अब सही वक्त आ गया है कि हम थोड़े पागल हो जाए। 17 साल की उम्र से ही हम शादी में बन गए थे, अब वक्त है कि हम हमारे लिए कुछ करें। मार्च भी लॉटरी के काम में जेरी का साथ देने का मन बना चुकी थी, क्योंकि इससे वो काफी सारा पैसा कमाकर अपनी बची हुई जिंदगी मजे से गुजार सकते थे। अब आगे जेरी मार्च को लेकर स्टोर में जाता है विनफॉल लॉटरी टिकट खरीदने, पर वो देखता है वहाँ पर विनफॉल लॉटरी टिकट की मशीन नहीं थी बल्कि किसी और लॉटरी के टिकट की मशीन रखी हुई थी। तब जेरी स्टोर ऑनर से विनफॉल लॉटरी की मशीन के बारे में पूछता है। तब स्टोर ऑनर कहता है, वो लॉटरी अब यहाँ पर नहीं बिकेगी, उसके लिए तुम्हें मैसाचुसेट जाना होगा। आगे जेरी स्टीव को बताता है कि उन्होंने लॉटरी खेलकर $15,000 जीते हैं। तब स्टीव कहता है, हाँ तुम सही बोल रहे थे। तब वहीं खड़ी मार्च कहती है, मैसाचुसेट यहाँ से ज्यादा दूर नहीं है। जेरी कहता है, हाँ बिल्कुल, हम 10 घंटे सफर करके वहाँ पर पहुँच सकते हैं। जेरी और मार्च दोनों वहाँ पर जाने के लिए तैयार थे। तब स्टीव कहता है, मैं भी तुम्हारे साथ हूँ, मैं भी तुम्हारे लॉटरी के काम में $1,000 इन्वेस्ट करना चाहता हूँ। अब अगले दिन जेरी उठता है तो वो देखता है कि मार्ज उससे पहले ही उठ चुकी थी और मार्ज उनके सफर पर जाने की तैयारी करने लगी थी।
आगे जेरी और मार्क दोनों अपनी गाड़ी लेकर घर से निकल जाते हैं मैसाचुसेट्स जाने के लिए। और काफी लंबे सफर के बाद वो एक स्टोर पर गाड़ी रोकते है जहाँ पर उन्हें विनफॉल टिकट मशीन दिख जाती है। वहाँ पर जाकर जेरी कहता है मुझे 8000 विनफॉल लॉटरी टिकट चाहिए। जेरी स्टोर ऑनर को पैसा निकाल कर दे देता है। तो वो स्टोर ऑनर कहता है ये मशीन 1000 लॉटरी टिकट एक घंटे में देती है और यदि आपको 8000 टिकट चाहिए तो आपको पूरा दिन यहीं पर रुकना होगा क्योंकि ये मशीन आपको 8000 टिकट 8 घंटे में निकाल कर देगी। मैं यहाँ पर खड़ा होकर 8 घंटे तक यही काम नहीं कर सकता, क्या आप में से कोई ये काम करेगा? तब मार्ज कहती है ठीक है मैं तैयार हूँ, क्या तुम बताओगे ये मशीन कैसे काम करती है? आगे मार्ज मशीन से टिकट निकालने लगती है और रात में जेरी और मार्ज वहीं पर मौजूद एक मोटेल में रुक जाते हैं और वहाँ पर टीम में लॉटरी विनर प्रोग्राम देखने लगते हैं। लॉटरी विनिंग के 6 नंबर लिखने के बाद अब उन्हें अपने खरीदे हुए 8000 टिकट में वो नंबर ढूंढने थे। वो दोनों ही नंबर चेक करने में लग जाते हैं और सुबह तक वो सारी लॉटरीज के नंबर चेक कर लेते हैं। आगे जेरी लॉटरी में जीते हुए पैसों को काउंट करता है और वो मार्ज को बताता है हमने 16000 के टिकट खरीदे थे तो लॉटरी में जीती हुई पूरी रकम में से $16,000 घटाने के बाद हमें तकरीबन $21,043 का फायदा हुआ है। आगे जेरी जीती हुई रकम का चेक लेकर आता है जिसे देखकर मार्च काफी खुश होती है और वो कहती है क्या तुम्हें लगता है कि तुम अकेले हो जो इस बारे में जानते होंगे? यह सुनकर जेरी सोच में पड़ जाता है और आगे हमें कैम्ब्रिज हार्वर्ड यूनिवर्सिटी का सीन बताया जाता है जहाँ पर हम टाइलर नाम के लड़के को देखते है। टाइलर के पास उसका दोस्त एरिक आता है और एरिक टाइलर से उसके प्रोजेक्ट के बारे में कुछ बातें करके टेबल पर रखे ब्रोशर को देखकर वहां से चला जाता है। तभी टाइलर भी उन ब्रोशर को देखने लगता है। तब टाइलर को ब्रोशर में विनफॉल लॉटरी का ब्रोशर भी दिखता है और टाइलर भी मैथमेटिक्स का यूज करके विनफॉल लॉटरी को जीतने की संभावना देखने लगता है। दूसरी तरफ जेरी और मार्च भी अपने घर वापस लौट रहे होते हैं। आगे वो दोनों स्टीव के पास जाते हैं। तब स्टीव कहता है तो तुम लोग एक कॉर्पोरेशन की शुरुआत करना चाहते हो? तब जेरी कहता है हाँ बिल्कुल, और इसमें हम हमारे पूरे टाउन को शामिल करना चाहते हैं। जो भी जितना पैसा इन्वेस्ट करना चाहे वो हमारे पास इन्वेस्ट कर सकता है। लॉटरी खरीद के हमें जो प्रॉफिट होगा हम उन्हें पार्ट प्रॉफिट शेयर कर देंगे। आगे जेरी अपने टाउन के लोगों को प्लान समझाता है कि वो किस तरह से उनकी कॉर्पोरेशन में इन्वेस्ट कर सकते हैं और जो भी प्रॉफिट उन्हें होगा वो शेयर होल्डर में शेयर कर देंगे। ये सभी वही लोग थे जो जेरी को अच्छी तरह से जानते थे और उन्हें उसकी ईमानदारी पर बहुत विश्वास था। जेरी उन्हें उनकी कॉर्पोरेशन में $500 इन्वेस्ट करने की सलाह देता है और वो सब भी जेरी की बात को मान जाते हैं। आगे जेरी अपनी बेटी को भी लॉटरी खरीदने के बारे में बताता है और जेरी की बेटी अपने पिता पर विश्वास करके इन्वेस्ट करने के लिए मान जाती है। जेरी अपने बेटे को भी यही सब बताता है पर जेरी का बेटा इसमें इंटरेस्ट नहीं दिखाता। आगे जेरी और मार्ज वापस टिकट खरीदने के लिए अपने टाउन से दूर मैसाचुसेट्स जाते हैं और जेरी स्टोर में जाकर स्टोर ऑनर से कहता है हम लोग $40,000 के टिकट्स खरीदना चाहते हैं। तब स्टोर ऑनर कहता है तुम इतने सारे टिकट एक ही दिन में नहीं खरीद सकते क्योंकि मुझे स्टोर क्लोज भी करना होता है। मैं अपनी जिंदगी में मैरिटल ट्रॉमा से गुजर रहा हूँ और मैंने अपने दोस्तों को पीने के लिए इनवाइट किया है और मैं इसे मिस नहीं कर सकता। मैं नहीं चाहता कि उस समय मुझे मेरे कस्टमर परेशान करे। तब जेरी कहता है क्या हो यदि हम तुम्हारे कस्टमर ना हो तो? बिल कहता है तुम ये सब क्या बातें कर रहे हो, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। जेरी कहता है क्या हो यदि हम लोग पार्टनर्स हो तो? तुम हमारी एसोसिएशन में इन्वेस्ट कर सकते हो। यह सुनकर बिल कहता है ठीक है मैं तैयार हूँ। आगे बिल स्टोर खोल के अपने दोस्तों के साथ बाहर ही ड्रिंक करने लगता है और जेरी और मार्क सुबह से अभी तक लगातार लॉटरीज के टिकट निकाल रहे थे। अब आगे जेरी वापस अपने मोटेल रूम में विनफॉल लॉटरी प्रोग्राम देख रहा होता है और डायरी में विनिंग नंबर लिखने के बाद जेरी मार्क से कहता है अब हमें लॉटरी चेक करनी होगी। तब मार्ज कहती है क्या हो यदि हम आज लॉटरी चेक ना करें तो? जेरी समझ जाता है और उसके बाद मार्ज और जेरी दोनों इंटीमेट होते हैं। मूवी में आगे हमें बोस्टन का एक न्यूज स्टूडियो दिखाया जाता है जहां पर माया नाम के रिपोर्टर से उसका फ्रेंड कहता है तुम्हें लॉटरी के बारे में कोई न्यूज लिखनी चाहिए, इस टॉपिक पर लोग काफी इंटरेस्ट दिखाते है और हमारे काफी सारे क्लिक्स होंगे। दूसरी तरफ हमें जेरी और मार्ज को दिखाया जाता है जो अब सुबह उठ चुके थे और वो आपस में बात कर रहे थे। तभी अचानक से कोई उनका दरवाजा जोर जोर से बजाने लगता है। जेरी जाकर दरवाजा खोलता है तो बाहर स्टोर का मालिक बिल था और बिल अंदर आकर जेरी और मार्च से कहता है विनफॉल लॉटरी वालों ने मुझे टैली रिपोर्ट भेजी है, जितना भी लॉटरी प्राइज मेरे वहाँ से जीता गया उसकी। मेरे स्टोर से विनिंग लॉटरी का प्राइज $82,000 का निकला है। यह सुनकर जेरी और मार्च दोनों शॉक रह जाते हैं। तब जेरी पूछता है तो इस हफ्ते तुम्हारे स्टोर से और कितने टिकट बेचे गए थे?
तब बिल कहता है, जो तुमने स्टोर से खरीदे थे वही टिकट बेचे थे। इसके अलावा मैंने 6 और टिकट खरीदे थे मेरे लिए, पर इसमें मुझे कोई प्राइज नहीं मिला। यह सुनकर जेरी, मार्ज और बिल तीनों काफी खुश होते हैं, क्योंकि उन्होंने $40,000 के टिकट खरीदे थे और $82,000 उन्होंने टिकट प्राइज में जीत लिया था। जो अमाउंट उन्होंने लगाया था उसे उन्होंने डबल कर दिया था। अब आगे जेरी और मार्ज हर बार अपने टिकट की क्वांटिटी बढ़ाने लगे थे और उन्हें हर बार काफी सारा फायदा हो रहा था। आगे मोटल में जेरी को स्टीव का कॉल आता है और स्टीव जेरी से पूछता है, वहां पर सब क्या चल रहा है, तुम्हारे शेयर होल्डर जानना चाहते हैं कि उनके पैसों में उन्हें कितना प्रॉफिट हुआ है। तब जेरी कहता है, तुम उन सभी को बोल देना कि हमने उनके पैसों को डबल कर दिया है। स्टीव भी अपने टाउन के लोगों को ये बात बताता है और वो लोग भी काफी खुश होते हैं। आगे हमें टायलर नाम के उसी लड़के के बारे बताया जाता है जो हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में पढ़ा करता था। टायलर अपने दोस्त एरिक को विनफॉल लॉटरी के बारे में बताता है कि वो लॉटरी खरीद कर पैसा बना सकते हैं। इसके लिए हमें कम से कम $1,000 के टिकट खरीदने होंगे। तब एरिक कहता है, क्या इसके लिए तुम अपने डैड से पैसा मांगोगे? तब टायलर कहता है, नहीं, ये पैसा हमारा होगा। आगे टायलर अपने साथ पढ़ने वाले स्टूडेंट को पिज्जा खिलाता है और उनके बीच अनाउंसमेंट करता है, मैंने लॉटरी स्कीम में एक गलती ढूंढी है जिससे हम हर बार लॉटरी के विनर बन सकते हैं, पर हम तभी ऐसा कर सकते हैं जब ज्यादा से ज्यादा मात्रा में लॉटरी खरीदेंगे। इसलिए मैं चाहता हूँ आप लोग अपने पेरेंट्स से पैसा मांगे, जो भी झूठ बोलना है बोलो, लेकिन हम मिलकर इस गेम को जरूर जीतेंगे। तब वहाँ मौजूद सभी स्टूडेंट टायलर की स्कीम में टायलर का साथ देने के लिए तैयार हो जाते हैं। आगे जेरी अपने गैराज में अपनी गाड़ी से लॉटरी टिकट रख रहा था, तभी जेरी की मदद करने उसका बेटा वहाँ आ जाता है। तब जेरी अपने बेटे को कहता है, मेरे बिजनेस में तुम भी मेरे एक शेयर धारक हो, मैं जो कमाऊंगा उसमें तुम्हारा हिस्सा भी होगा। जेरी के बेटे ने अपने पिता की स्कीम में पैसा लगाने से मना कर दिया था, पर तब भी जेरी अपने बेटे को हिस्सा दे रहा था और ये सुनकर जेरी का बेटा खुश होता है। आगे जेरी अपने टाउन के सभी इन्वेस्टर से मीटिंग करता है, पर उन सब में कोई भी अपना प्रॉफिट सुनने के लिए इंटरेस्ट नहीं दिखा रहा था और वो सभी एक साथ लंच करने चले जाते हैं। तब स्टीव जेरी से पूछता है, तुम आगे कितने टिकट खरीदने वाले हो? तब जेरी कहता है, हम तकरीबन 3,12,000 टिकट खरीदेंगे। स्टीव कहता है, इतने टिकट तो $6,00,000 के होंगे। तब जेरी कहता है, हाँ बिल्कुल, इसमें हमें 4 दिन का समय लग जाएगा टिकट मशीन से निकालने में। एक दिन में हम मशीनों से 12 घंटे तक टिकट निकाल सकते हैं। तब स्टीव कहता है, तो तुम कम टिकट क्यों नहीं खरीदते? एक साथ इतने सारे टिकट खरीदने की क्या जरूरत है? तब जेरी कहता है, हमने लॉटरी स्कीम में जो गलती पकड़ी है उसका एक न एक दिन कंपनी को पता चल जाएगा और वो लोग अपनी स्कीम को चेंज कर देंगे, इसलिए हमें नहीं पता हम कब तक इस स्कीम से पैसा कमा सकते हैं, इसलिए हम जितना हो सके उतने ज्यादा टिकट खरीदकर पैसा कमा लेंगे। दूसरी तरफ रिपोर्टर माया अपने दोस्त को आकर बताती है, मिशिगन में एक रिटायर्ड फैक्ट्री वर्कर है जो हर महीने अपने घर से 10 घंटे का सफर करके दूसरी जगह पहुंचकर लॉटरी टिकट खरीदता है और हर बार काफी बड़ी मात्रा में अमाउंट जीत जाता है। आगे टायलर स्टूडेंट के बीच में था और वो सभी को बताता है, पहली बार लॉटरी खरीदने में उन्हें प्रॉफिट हुआ है, पर हमें यदि ज्यादा पैसा चाहिए तो हमें और मात्रा में लॉटरी खरीदनी होगी। आगे टायलर एरिक से कहता है, क्या तुम लैपटॉप में कुछ ढूंढ रहे हो? तब एरिक कहता है, मुझे एक और ग्रुप के बारे में पता चला है जो हमारी तरह बहुत ही बड़ी मात्रा में लॉटरी खरीदता है और वो हमेशा दो ही जगहों से लॉटरी खरीदता है। तब टायलर कहता है, अगर वो बड़ी मात्रा में लॉटरी खरीदते हैं तो वो इस वक्त भी मशीन से लॉटरी निकाल रहे होंगे, अगर हम वहां पर जाएंगे तो वो हमें मिल सकते हैं। दूसरी तरफ मार्च अभी भी मशीन से लॉटरी निकाल रही थी, तभी वहां पर जेरी ड्रिंक लेकर आता है और वो दोनों ड्रिंक पीकर एक साथ डांस करने लगते हैं। तभी वहां पर टायलर और एरिक भी आ जाते हैं और वो जेरी और मार्च को देखकर उन पर हंसने लगते हैं। तो और वो दोनों कहते हैं, तो तुम दोनों वो लोग हो जो लॉटरी खरीदते हैं, हमने तो सोचा था कि कोई क्राइम सिंडिकेट होगा जो ये काम कर रहा है। आगे जेरी के पूछने पर टायलर उन दोनों को बताता है, हम लोग हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं और हमें पता चला है कि तुम भी हमारी तरह लॉटरी खरीदते हो, हमने कभी सोचा भी नहीं था कि हमारा सामना दो बूढ़े लोगों से होगा, हम तुम दोनों बूढ़े लोगों को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहते, इसलिए हम तुम्हारे सामने एक ऑफर रख रहे, तुम दोनों हमारे ग्रुप में ज्वाइन होकर अपना सारा पैसा हमें दे दो और हम लॉटरी के टिकट खरीदेंगे और तुम्हें उसमें से प्रॉफिट का हिस्सा दिया करेंगे, क्योंकि हमारे पास स्टूडेंट की पूरी आर्मी है इन्वेस्टमेंट करने के लिए। तब जेरी कहता है, मुझे लगता है तुम दोनों को यहां से निकलना चाहिए क्योंकि आज हमारी एनिवर्सरी है। तब टायलर गुस्सा होकर वहां से जाने लगता है और वो जेरी को कहता है, हम लोग हार्वर्ड के स्टूडेंट है, तुम लोग हमसे नहीं जीत सकते, हम लोगों ने बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ रखा है, उसके बारे में तुम लोगों ने आज तक सुना भी नहीं होगा। तब जेरी टायलर को बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन की डेफिनेशन बताता है और वो कहता है, जिस तरीके से तुम ब्रोशर फिल करके लॉटरी खेलते हो उस तरीके से तुम हमसे ज्यादा मुनाफा नहीं कमा पाओगे,
ये सुनकर टाइलर को बुरा लगता है और वो गुस्सा होकर वहाँ से चला जाता है। आगे वापस हमें रिपोर्टर माया को बताया जाता है जो मिस्टर ग्राजियो से जाकर मिलती है जो विनफॉल लॉटरी का हेड था। माया मिस्टर ग्राजियो से कहती है, क्या आपको पता है मिशिगन में एक रिटायर आदमी लगातार आपकी लॉटरी के टिकट खरीद रहा है और हर बार विनर हो रहा है। तब मिस्टर ग्राजियो कहता है, ये तो बहुत ही अच्छी बात है, अगर कोई जीतता है तो इससे हमारी लॉटरी फेमस होती है और किसी रिटायर आदमी को हमारी लॉटरी की वजह से पैसा मिल पा रहा है, इससे ज्यादा खुशी क्या होगी। ये कहकर मिस्टर ग्राजियो वहां से चले जाते हैं। आगे जेरी सुबह सुबह कॉफी पीने जाता है तो कॉफी शॉप में टाइलर पहले से मौजूद था जो जेरी का इंतजार कर रहा था। तब टाइलर कहता है, मैं अच्छी तरह से जानता हूँ तुम हमारे ग्रुप में शामिल नहीं होंगे और मैं ये भी जानता हूँ कि मैं तुमसे अच्छा मैथ्स नहीं जानता। जेरी पूछता है, तो फिर तुम क्या करने वाले हो। तब टाइलर कहता है, मेरे पास स्मार्ट स्टूडेंट की एक पूरी आर्मी है जो कि हार्वर्ड में पढ़ती है। हमने स्टेट लॉटरी की साइट को हैक करके पता लगा लिया था कि तुम किस किस जगह से टिकट खरीदते हो, तो तुम्हें क्या लगता है हम तुम्हारे अकाउंट हैक नहीं कर सकते। हम तुम्हारा अकाउंट, तुम्हारे क्रेडिट कार्ड डिटेल, तुम्हारी आइडेंटिटी सब कुछ चुरा कर उसका यूज तुम्हारे खिलाफ कर सकते है। तब जेरी कहता है, लेकिन तुम ये सब क्यों कर रहे हो, मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है। तब टाइलर कहता है, कुछ भी पर्सनल नहीं है, पर मैं अपने आप से तुमको जीतता हुआ नहीं देख सकता। तुमने काफी पैसा कमा लिया है पर अब ये सब बंद कर दो। टाइलर और जेरी की ये सारी बातें वहीं खड़ा कॉफी शॉप का ऑनर भी सुन रहा था। आगे टाइलर लाइब्रेरी में जाता है जहां उसके टाउन के सभी इन्वेस्टर मौजूद थे। टाइलर सभी के बीच अनाउंस करता है, लॉटरी कंपनी ने अपनी पॉलिसी चेंज कर ली है, इसलिए आज से हम लॉटरी नहीं खरीदेंगे। तब वही बेटा कॉफी शॉप का ऑनर जेरी के बेटे को सब कुछ सच सच बता देता है कि आखिर जेरी वापस लॉटरी क्यों नहीं खरीदना चाहता। दूसरी तरफ टाइलर भी अपने दोस्तों के साथ मिलकर उन्हें अलग अलग स्टोर में भेजकर लॉटरी खरीद रहा था। जेरी अपने घर में था तभी मार्ज उसे कहती है, आज हमारी लॉटरी खरीदने का दिन है। तब जेरी कहता है, मुझे अच्छी तरह से पता है पर मैं सब कुछ ठीक करना चाहता हूँ। तब मार्ज कहती है, मैं उस जेरी को जानती हूँ जो प्रॉब्लम की सॉल्यूशन ढूंढता है, ना कि यूं ही हाथ पर हाथ रखकर बैठ जाता है। हमें इस तरह से मौका नहीं गंवाना चाहिए, हमें फिर से चांस लेना चाहिए। मार्ज की बातें सुनकर जेरी वापस टिकट खरीदने के लिए तैयार हो जाता है और वो टिकट खरीदने के लिए मार्ज को लेकर निकल जाता है और वापस से बिल के स्टोर पर जाकर मशीन से लॉटरी निकालने लगता है। दूसरी तरफ एरिक टाइलर को बताता है कि जेरी अभी भी लॉटरी टिकट खरीद रहा है। यह सुनकर टाइलर गुस्सा हो जाता है कि उसकी धमकी का जेरी पर कोई असर नहीं हुआ। तब टाइलर कहता है, क्या हो यदि हम पूरे लॉटरी सिस्टम को हैक कर ले। मेरा मतलब है कि विनफॉल लॉटरी एक दिन में $1,00,000 की लॉटरी बेचती है और जब विनफॉल 2 मिलियन लॉटरी बेच देती है उसके बाद वो विनर नंबर की घोषणा करती है। विनर लागू होने से कुछ समय पहले ही लोग लॉटरी खरीदना शुरू करते हैं। पर क्या हो जब किसी को उम्मीद ना हो और हम सारी लॉटरी खरीद लें। इस तरह से हम दूसरे प्लेयर को गेम से पूरी तरह से अलग कर देंगे। यदि हम एक दिन में ही 1 मिलियन के लॉटरी टिकट खरीद ले तो हम ही विनर बन जाएंगे। तब एरिक कहता है, और हम लोग $1,000,000 लाएंगे कहाँ से। तब टाइलर जाकर गोल्फ कोर्स में अपने पिता के दोस्तों से मिलता है जो लोग काफी अमीर थे और टाइलर लोगों को कन्विंस करने लगता है, यदि आप लॉटरी खरीदने के लिए हमें पैसा दोगे तो हम आपको बहुत ही अच्छा प्रॉफिट देंगे। आगे $1,000,000 इकट्ठा करके टाइलर अपने दोस्तों से कहता है, हमारे पास पूरे 14 घंटे लॉटरी टिकट निकालने के लिए, अपनी अपनी लोकेशन पर जाओ और मशीनों से सारे लॉटरी टिकट निकाल लो। कुछ लोगों को इसमें पूरा दिन भी लग सकता है पर लगातार लॉटरी टिकट निकालते रहना। तब टाइलर के सभी दोस्त स्टोर में जाकर लॉटरी खरीदने लगते है। आगे जेरी और मार्ज भी अपने मोटल रूम पर पहुँचते है, तभी वहाँ पर बिल आता है और वो जेरी को कहता है, हमने इस बार मिस कर दिया। तब जेरी पूछता है, क्या किसी को लॉटरी के 6 नंबर लग गए। तब बिल कहता है, नहीं, किसी ने सारी लॉटरियां खरीद ली है। जेरी कहता है, लेकिन अभी तो सेकंड वीक ही हुआ है, अभी तो और समय होना चाहिए। तब बिल कहता है, किसी ने कल रात ही मशीनों से सारे टिकट निकाल लिए है। तब जेरी कहता है, ये जरूर हॉवर्ड के उन बच्चों ने किया होगा। तब मार्ज कहती है, लेकिन उन्हें कैसे पता होगा कि कंपनी विनर घोषित करने से पहले कितने टिकट बेचती है। जेरी कहता है, उन्हें पता है। और जेरी गुस्से में अपनी गाड़ी लेकर हार्वर्ड यूनिवर्सिटी जाने लगता है। तो दोस्तों विनफॉल लॉटरी वाले विनर घोषित करने से पहले तकरीबन 1 मिलियन के लॉटरी टिकट बेचा करते थे, पर इस बार टाइलर ने अपना दिमाग लगाकर पहले ही सारे टिकट खरीद लिए थे और उसके बाद कंपनी ने लॉटरी टिकट पर रोक लगा दी। मार्ज और जेरी वापस लॉटरी खरीदने तो आए थे पर अब वो लॉटरी नहीं खरीद सकते थे। अब जेरी हार्वर्ड यूनिवर्सिटी जाकर टाइलर से मिलता है। तब टाइलर उससे कहता है, तो तुम यहाँ पर 10 घंटे का सफर करके लॉटरी खरीदने आए थे और हम पहले ही विनर बन चुके हैं। तब जेरी कहता है, हाँ मैं ड्राइव करके तो आया था पर इस बार मुझे मौका नहीं मिल पाया। तुमने मुझसे कहा था कि मैं लॉटरी खरीदता हूँ क्योंकि मेरे पास करने के लिए कुछ नहीं है, पर यहाँ पर आकर मैं तुम सभी को देखता हूँ,
तुम अभी लॉटरी खरीद कर इन स्टूडेंट को थोड़ा पैसा तो दिला दोगे, पर मैं सोच रहा हूँ ये आने वाली जिंदगी में क्या करेंगे, तुम इनकी कैसे हेल्प कर पाओगे। तुम इन लोगों में बस फेमस होना चाहते हो, इसलिए तुमने कदम उठाया ताकि तुम इन सबसे अपने आप को ज्यादा समझदार साबित कर सको। मेरे पास मेरा मैथ्स था जिसके जरिए मैंने अपनी पूरी जिंदगी बिता ली, तुम लोगों के पास क्या है। ये कहकर जेरी वहां से चला जाता है और ये सारी बातें सुनकर सभी स्टूडेंट को अफसोस होता है कि वो इतनी बड़ी यूनिवर्सिटी में पढ़ने आए थे, पर टाइलर की बात मानकर वो सभी लॉटरी खरीदने के काम पर लग गए। आगे वो सभी टाइलर का साथ छोड़ने का मन बना लेते हैं। आगे जेरी और मार्ज विनफॉल लॉटरी के हेड के पास जाते हैं और वहां पर वो अपनी प्रॉब्लम्स बताते हैं कि इस बार कुछ हार्वर्ड स्टूडेंट ने मिलियन ऑफ डॉलर विनफॉल लॉटरी गेम में डाले, जिससे किसी को भी लॉटरी जीतने का मौका नहीं मिल पाया क्योंकि उन लोगों ने सारी लॉटरी को पहले ही खरीद कर लॉटरी गेम को हैक कर लिया था। हम चाहते हैं कि विनफॉल लॉटरी की एक वेबसाइट हो जिस पर जैकपॉट शो हो ताकि लॉटरी गेम सभी के लिए बराबर हो। तब विनफॉल लॉटरी का हेड जेरी की इन बातों को मान जाता है। आगे टाइलर एरिक के साथ होता है और वो कहता है हम वापस से सारे टिकट खरीद लेंगे। तब एरिक कहता है नहीं, अब हम ऐसा नहीं कर सकते, विनफॉल लॉटरी वालों ने अपनी वेबसाइट पर लॉटरी का जैकपॉट डाल दिया है, अब हर कोई ऑनलाइन जैकपॉट ट्रैक कर पाएगा, अब हम उस तरह से लॉटरी का प्राइज नहीं जीत पाएंगे। दूसरी तरफ माया सबसे ज्यादा लॉटरी का प्राइज जीतने वालों का नाम चेक करती है और वो कहती है ये उन लोगों की लिस्ट है जो लॉटरी में $60,000 से ज्यादा जीत रहे। माया देखती है कि पिछले 6 महीनों से जेरी शेल्बी हर बार मोटी रकम जीत रहा था। तभी माया का फ्रेंड वहां पर आकर उसे टाइलर का नाम भी दिखाता है। टाइलर भी उन लोगों में शामिल था जो पिछले 6 महीनों में लगातार मोटी रकम जीत रहा था। आगे माया जेरी से मिलने उसके घर पर जाती है और उसे सवाल करती है। तब जेरी माया को वो लॉटरी के सारे टिकट दिखाता है। तब माया कहती है तो आप और आपकी वाइफ मिलकर इन सारे लॉटरी के नंबर चेक करते थे, ये तो काफी ज्यादा काम है। तब जेरी कहता है काम तो मैंने जिंदगी भर किया है पर ये कुछ अलग है। आगे जेरी और मार्ज वापस बिल के स्टोर पर लॉटरी खरीदने जाते हैं तो वो देखते हैं वहां पर लॉटरी की मशीनें नहीं थी। तब बिल कहता है विनफॉल कंपनी ने मेरा लाइसेंस सस्पेंड कर दिया है। बिल जेरी को न्यूज़पेपर देता है जिसके फ्रंट पेज पर ही एक बड़ा सा आर्टिकल छपा था जिसमें टाइलर और जेरी के बेटिंग ग्रुप के बारे में लिखा था कि किस तरह से इन्होंने लॉटरी स्कीम का फायदा उठाकर करोड़ों रुपए कमाए। आगे टाइलर के डैड भी यूनिवर्सिटी में आकर टाइलर को न्यूज़पेपर की हेडलाइन दिखाकर उसे उसकी पढ़ाई बीच में ही छोड़कर वापस घर चलने के लिए कहते। आगे न्यूज चैनल में न्यूज दिखाई जा रही थी कि किस तरह से दो ग्रुप ने लॉटरी स्कीम की गलती को पकड़कर करोड़ों रुपए कमाए। लॉटरी ऑफिशियल भी उनकी इस गलती को देखकर शॉक थे और उन्होंने घोषणा की है कि वो आखिरी बार फिर से रिजल्ट घोषित करेंगे, फिर इसे बंद कर देंगे। ये न्यूज देखकर मार्च की बेटी मार्च से कहती है अभी आपके पास एक बार लॉटरी जीतने का और मौका है। तब मार्च कहती है हमें अब गेम जीतने की कोई परवाह नहीं, हम इसके जरिए काफी लोगों से कनेक्ट हुए हैं। अब घर में जेरी भी मायूस होकर बैठा था क्योंकि उसके पास अब करने के लिए कोई काम नहीं था। तभी वहां पर स्टीव आकर जेरी से कहता है शेयर होल्डर आज शाम को तुमसे मिलना चाहते हैं। अब जेरी मार्च के साथ सभी से मिलने जाता है। तब वो देखता है कि वहां पर टाउन के सभी लोगों ने जेरी और मार्च के लिए पार्टी ऑर्गेनाइज कर रखी थी। सभी लोग जेरी के लिए खड़े होकर तालियां बजाने लगते हैं क्योंकि जेरी और मार्ज ने उन लोगों को काफी फायदा पहुंचाया था। जेरी खुश होकर उन सभी लोगों से कहता है तुम लोगों ने आखिरी बार लॉटरी टिकट क्यों नहीं खरीदे। तब वही खड़ा जेरी का बेटा कहता है हमने पूरे स्टेट के स्टोर से लॉटरी टिकट खरीदे हैं। आगे वो लोग ट्रैक्टर में वो लॉटरी लेकर आते हैं जो वहाँ मौजूद लोगों ने पूरे स्टेट के स्टोर से खरीद ली थी। यानी आखिरी बार भी जेरी और मार्ज लॉटरी में बहुत सारा पैसा जीतने वाले थे। टाउन के सभी लोग जेरी और मार्च के साथ पार्टी सेलिब्रेट करने लगते हैं, वो लोग डांस करने लगते हैं और ये मूवी यहीं खत्म हो जाती है। आगे हमें जेरी और मार्च के कुछ रियल लाइफ फोटोज दिखाए जाते हैं। तो दोस्तों आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें बताइए कमेंट सेक्शन में। हमारे इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए क्योंकि पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त।